नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी हैं वो आ गई हैं, तो उसी के मद्देनज़र हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंटेंट लेके आए हैं। ये प्रीवियस ईयर हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी हाल ही में फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ था, तो उसमें जो पूछा गया था वो आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं आते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने फॉर्म है अप्लाई कर दिया होगा, और आगामी जो है अगर आगे कहीं पे भी आएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस हैं अभी देख के जाएंगे और तैयारी करेंगे अपनी। तो वैसे तो सेक्शंस हैं दूसरे भी, जैसे रीजनिंग वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, ये भी रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह ये भी पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस वगैरह वो भी पूछा गया था। FSSAI से रिलेटेड है ये भी पूछा गया था। इंडियन स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उनसे भी ये क्वेश्चन है पूछे गए थे। तो अभी हम बात करेंगे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेन जो डोमेन सेक्शन का पेपर हुआ आया था कि भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको पता चल सके कि भी सब्जेक्ट में किस तरह के पूछे जाएंगे। अभी फिक्स्ड सिलेबस है वो नहीं आया है कि भी किस सेक्शन से कितना आएगा, लेकिन अभी ये जो सेक्शन है ये तो आएगा ही आएगा। तो आप इस पे अपनी तैयारी स्टार्ट करें अभी। तो अभी हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है द एल्कोहल कंटेंट ऑफ वाइन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड राइपनेस ऑफ द फ्रूट बिफोर हार्वेस्टिंग इज एसेस बाय। जो एल्कोहल कंटेंट है फर्मेंटेशन के दौरान है वाइन जो है किसके द्वारा है एसेस किया जाता है, तो ये रिफ्रेक्टोमीटर है जो उसके द्वारा है, रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा है जो एल्कोहल कंटेंट ऑफ वाइन ये जो एसेस है किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइक्रोबियल एंजाइम। तो माइक्रोबियल एंजाइम के सापेक्ष जो इनकरेक्ट इसमें इसके रेस्पेक्ट में कौन सा, तो इसमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं जो इनकरेक्ट बताना है, दे आर इजी टू प्रोड्यूस ये सही है, दे आर नॉट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस, कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस ये भी सही है। जो गलत है इसमें वो है दे आर लेस स्टेबल कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल एंजाइम, तो इसमें ये जो है इनकरेक्ट है। तो आगे हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कम्प्लेक्स ग्लाइकोजन भी है, मिशिलेज भी है, स्टार्च भी है, तो लिग्निन है, ये आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे एज पर रेगुलेशन द लिमिट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ एनिमल ओरिजन इन पल्सिस शैल नॉट एक्सीड। देखिए अभी हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आगे की जो वीडियोज आएंगी उसमें हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। अभी आपको एक ब्रीफ आपको रिव्यू हो जाए कि भी किस तरह के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो वो हम जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन से अपने कर रहे हैं। तो एज पर रेगुलेशन द लिमिट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ एनिमल ओरिजिन इन पल्सिस सेल नॉट एक्सीड, तो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो 0.01% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आगे हमारा द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ फूड गिवन इन द इंडियन कंपोजिशन टेबल इज डिटरमाइंड बाई। तो किसके द्वारा है जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो जो है डिटरमाइन किया जाता है, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसके द्वारा है ये कंटेंट है जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ये डिटरमाइन किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फाइव मेंशन्ड इन रिसाइकल लोगो एट बॉटम ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक का बोतल कंटेनर होता है उसके नीचे बोतल में लिखा होता है रिसाइकल वाला, तो इनमें से कौन सा नहीं है तो जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो ये बाकी सारी सेफ्टी फॉर यूज विच टाइप ऑफ फूड बेवरेज इट कैन बी यूज फॉर टेल्स विच मोनोमर यूनिट, तो ये सही है। जो नहीं है तो हाउ मैनी टाइम्स द कंटेनर कैन बी रीयूज, तो ये इसके जो रेस्पेक्ट में सही बात नहीं है। आगे हमारा हाउ मच विटामिन ए शुड फोर्टिफाइड मिल्क कंटेंट। जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है तो उसमें जो विटामिन ए कितना फोर्टिफाइड किया जाता है, तो ये है जो 270 माइक्रोग्राम RE2, 450 माइक्रोग्राम RE पर लीटर लीटर के उसमें जो है फोर्टिफाइड है ये किया जाता है। तो विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो माइक्रोसिस्टिक जो एनीमिया है इसको न्यूट्रिएंट जो विच कौन सा न्यूट्रिएंट है इसको प्रिवेंट करता है, तो ये आयरन है जो ये प्रिवेंट करता है। आगे हमारा क्वेश्चन, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर है जो बायोसेंसर है, राइपनेस इंडिकेटर है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो आइडेंटिफिकेशन और शम क्वालिटी इंडिकेटर विच मे बी यूज्ड इन। तो किसमें यूज किए जाते हैं, तो इंटेलिजेंट पैकेजिंग है जो उसमें यूज किए जाते हैं। मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ फूड इन
द रेंज ऑफ 0 to 8 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, तो ये जो मेंटेन टेम्परेचर किया जाता है इसमें, तो वो चिलिंग जो है चिलिंग में किया जाता है। आगे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो कौन सा है इसमें एक फिजिकल जो मेथड नहीं है फिजिकल मेथड, तो फर्मेंटेशन नहीं है केमिकल होगा, फ्रीजिंग स्टिलाइजेशन ये बाकी सारे हो जाएंगे। द माइक्रोबियल एंजाइम फंगल लैक्टेज आर यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग मिल्क प्रोडक्ट, तो कौन सा किसके लिए, तो ये जो लोअर द शुगर कंटेंट करने के लिए जो माइक्रोबियल एंजाइम फंगल है जो लैक्टेज ये यूज किया जाता है डेयरी इंडस्ट्री में, किसका बनाने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए। आगे हमारा क्वेश्चन, द डेयरी डाइट्री जो सॉरी डेली डाइट्री न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल दैट इज सफिशियंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, RDA कहेंगे यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहेंगे, ठीक है, जो हमें डेली नीड की न्यूट्री कितना न्यूट्रिएंट चाहिए उसको। ए लेबोरेटरी विच डेवलप मेथड ऑफ टेस्टिंग प्रोवाइड वैलिडेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड इज ए डेजिग जो डेजिग्नेटेड एज ए, तो जो लैब है जिसको टेस्टिंग मेथड वगैरह है डेवलप वगैरह करती है तो परफॉर्म करती है इस तरह की, इसके वो जो रेफरेंस फूड लैब है जो रेफरेंस RFL कह सकते हैं हम इसको, तो ये है। आगे हमारा क्वेश्चन, ट्रांसफैट आर प्रेजेंट इन, तो किसमें ट्रांसफैट इनमें से प्रेजेंट होता है, तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें से मार्गरीन जो है आपका इसमें जो है ट्रांसफैट प्रेजेंट होता है, बाकी में रेड पाम ऑयल है एग ऑयल इनमें नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि GMP है जो उसके लिए ये इनकरेक्ट है, तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग हैंड वॉशिंग की जो स्पेक्स है जो उसमें उसमें है, तो नॉन परफ्यूम्ड सोप बार शुड बी यूज्ड फॉर हैंड वॉशिंग। आगे हमारा क्वेश्चन, द फोर्थ स्टेप इन हेसअप, जो हेसअप के जो स्टेप्स हैं तो उनमें से फोर्थ स्टेप कौन सा है, ये है आपका जो है कंस्ट्रक्ट प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, कंस्ट्रक्ट प्रोसेस फ्लो डायग्राम ये इसका फोर्थ स्टेप है। ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा कम्प्लीटली इसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो बनाएंगे तब। द टेक्नोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोपाइनेट इन ब्रेड इज एन क्या है, ये प्रिजर्वेटिव है, कैल्शियम प्रोपाइनेट जो ब्रेड में हम यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। द हेल्थ क्लेम विच इज नॉट परमिटेड ऑन ए न्यूट्रास्यूटिकल पैकेज, तो मैं न्यूट्रास्यूटिकल जो पैकेज आता है उसमें हम क्या हेल्थ क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये क्योर करता है डिजीज को, तो ये हम उसके ऊपर नहीं कर सकते, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द डिजीज। आगे है हमारा क्वेश्चन, द एक्शन टू रिमूव फूड फ्रॉम द मार्केट एट एनी स्टेज ऑफ फूड चेन इंक्लूडिंग दैट पोजेस्ड बाई कंज्यूमर इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे हम, तो उसको फूड रिकॉल कहेंगे, अगर हमें वापस बुलाना है अपने मार्केट में प्रोडक्ट चला जाता है तो। आगे, द विटामिन विच कैन कंबाइन विद फ्री ऑक्सीजन रेडिकल एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, तो कौन सा विटामिन है, तो वो है आपका विटामिन ई, फ्री रेडिकल के साथ है जो अटैच करता है। एमर्जिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा है जो एमर्जिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है, किसको छोड़ के, इरेडिएशन को छोड़ के, बाकी हैं UFP है, अल्ट्रासोनिक फूड प्रोसेसिंग है, SPP है, आई प्रोसेसिंग है, जो प्रेशर प्रोसेसिंग है, जो है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे के सारे किसमें है, एमर्जिंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। आगे हमारा क्वेश्चन, द डेट आफ्टर विच ए फूड प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइजेबल टू बी जो मार्केटेड एज द क्वालिटी मे हैव डिमिनिश्ड बट मे स्टिल बी सेफ टू कंज्यूम इट, तो ये कौन सी डेट होगी, तो ये होगी बेस्ट बिफोर डेट होगी। आगे हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज इन फूड, तो जो है जो फूड कलर है कौन सा परमिटेड नहीं है, तो मलाकचीटी ग्रीन है जो ये नहीं है, एनेटो है, ब्रिलियंट ब्लू, FCF है, टाइट्रेजिन है, ये सारे के सारे परमिटेबल हैं, परमिटेड हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन, ओलिगोसैकेराइड विच एनकरेज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द गट आर कॉल्ड,
तो क्या कहेंगे उसको? प्रीबायोटिक कहेंगे हम। द कंडीशन, ए कंडीशन इन विच सर्टेन फूड्स ट्रिगर एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, तो उसको कहेंगे फूड एलर्जी। है जो है किसी फूड के प्रति एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो उसको फूड एलर्जी कहा जाएगा। आगे हमारा, टू प्रिजर्व द ग्रीन कलर वाहिल कुकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल इट इज एडवाइजेबल टू कुक, तो क्या कुक हम जो ग्रीन कलर है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है क्या हम उसमें एडवाइजेबल कुक हम प्रोवाइड करा सकते हैं? तो अनकवर्ड फॉर ए फ्यू मिनट टू अलाउ वोलेटाइल एसिड टू एस्केप। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, एज पर रेगुलेशन द यूज ऑफ परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर इन कैंड चेरीज इज, तो वो क्या है? परमिटेड बट नॉट एक्सीड 200 पार्ट्स पर मिलियन, 200 ppm। आगे हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू सोकिंग डीहस्क्ड पल्सेस इन वाटर एंड डिस्कार्डेड इट बिफोर कुकिंग, तो जो है इनमें से कौन सी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन कंटेंट इंक्रीज, ये जो है इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो ये जो है इनकरेक्ट है इसके रिगार्डिंग। जो आगे क्वेश्चन हमारा, पॉलीस जो साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कुकिंग फ्रॉम ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के है जो पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड करते हैं, फॉर्म्ड होते तो ये मिलार्ड रिएक्शन के दौरान नहीं होते तो बाकी मत है। आगे जो है ये हमारा जो पेपर पूछा गया था, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं हम जल्दी से। विच ग्रेन कैन बी ग्लूटेन इंटॉलरेंट पर्सन सेफली कंज्यूम, तो इनमें से जो है ग्लूटेन जो ग्रेन होता है जिसका एलर्जी होती है तो उनमें से जो पर्सन है सेफली कंज्यूम कर सकता है, तो बकव्हीट है जो ये कर सकता है। द प्लांट एंजाइम ब्रोमेलिन फीसिन एंड पेपिन आर, ये क्या है? ये प्रोटीएज है, क्या है? प्रोटीएज। आगे हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी किलो कैलोरी पर ग्राम डू ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड, तो ये 3 जो है 3 किलो कैलोरी पर ग्राम है देता। ए बर्न्ट और कैरामल फ्लेवर इन मिल्क इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होता? तो ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस वार मल्टीजेनेसिस, इसके द्वारा है, जीन्स के द्वारा होता है। आगे हमारा, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर बेटर एब्जॉर्ब एंड मोर बायो अवेलेबल फ्रॉम, तो किससे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? नेचुरल फूड रिकमेंड इन ए माई फूड प्लेट फॉर ए डे, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आर बेटर एब्जॉर्ब एंड मोर बायो अवेलेबल फ्रॉम, ये जो नेचुरल फूड रिकमेंडेड इन जो माई फूड प्लेट फॉर ए डे में है तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब वाले होते हैं। द अवेल द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन चेन ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड है जो ALA है, तो वो कितने होते हैं डबल बॉन्ड? उसमें 3 डबल बॉन्ड है प्रेजेंट होते हैं। टोटल पोलर कंपाउंड आर फॉर्म्ड बहन, तो कब होते हैं टोटल पोलर कंपाउंड फॉर्म्ड? ओएल इज रीहीटेड ऑफन अबो 180 डिग्री वाइल फ्राइंग, जो हम बाहर हम समोसे वगैरह जो फास्ट फूड की चीज़ें आती हैं तो हम उसमें TPC वैल्यू होती है, वही ये TPC है जो कि 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वही वैल्यू है। जो आगे हमारा क्वेश्चन है, ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस यूज्ड टू डिटरमाइन द मास और कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस बाई मेजरिंग ए चेंज इन इट्स मासिस, वो है ग्रामेट्रिक एनालिसिस। कौन सा मेथड है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आगे हमारा, द टेस्ट टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सीसेम ऑयल इन वनस्पति इन सफिशियंट क्वांटिटी एज पर रेगुलेशन इज, वो टेस्ट जो यूज़ किया जाता है सीसेम को वनस्पति घी को चेक करने के लिए सीसेम ऑयल जो है वो है बायोडोविन टेस्ट। कौन सा? बायोडोविन टेस्ट है। आगे है, रिमूवल ऑफ इनएडिबल पार्ट्स और डिफेक्टिव पार्ट ऑफ फूड एंड कटिंग टू ए साइज अप्रोप्रिएट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रिमिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिमिंग कहेंगे। तो ये था जो हमारा डोमेन सेक्शन जो मेन सब्जेक्ट का पूछा गया था फूड सेफ्टी ऑफिसर में अभी हाल ही में जो हुआ था, वो आपके समक्ष लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और आपका कोई सुझाव है, कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।